नमस्कार द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य पर सांसद ने डिगलीपुर में क्रिकेट मैच आयोजित किया डल्लीगंज के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कल होगा रोजगार व स्वरोजगार मेले का आयोजन और नालंदा जहाज की मायबंदर यात्रा अब द्वीप दर्पण विस्तार से सांसद कुलदीप राय शर्मा ने डिगलीपुर में एमपी कप स्टंपर बॉल क्रिकेट नॉकआउट प्रतियोगिता का आयोजन किया इस प्रतियोगिता में 22 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन अवसर पर सांसद कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेल में द्वीप समूह के युवाओं का प्रदर्शन काफी सराहनीय है विभिन्न खेलों में उनकी उत्साह पूर्वक भागीदारीता ही इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए प्रेरित किया है इसी प्रकार का प्रतियोगिता द्वीप समूह के अन्य भागों में भी आयोजित किया जाएगा उन्होंने खिलाड़ियों के रूप में खेलने के महत्व पर बल देते हुए युवाओं से पूरी तत्परता के साथ अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए जोर दिया दिग्लीपुर के युवा खिलाड़ियों ने क्षेत्र में इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए सांसद का धन्यवाद किया उत्तर व मध्य अंडमान जिले में स्थित बकुंतला गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया एक गांव है कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशिष्ट वर्ष के दौरान पशुपालन विभाग ने बकुंतला गांव में किसानों को सात उन्नत बड़े सफेद यार्कर शायर पिगलेट एक सौ सत्तर वन राजा चूजे और एक सौ साठ प्रदान किया इसके अलावा सात किसानों को चारा काटने का सामान भी वितरित किया गया है पशुपालन की शुरुआत से ग्रामीणों की आय पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है विशेष रूप से सुअर पालन एक लाभदायक उद्यम के रूप में उभरा है सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ग्रामीणों ने अपने ही गांव में आयोजित पांच अल्पकालिक प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से पशुपालन प्रथाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया इन नए अर्जित कौशलों ने न केवल पशुओं की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि गांव के भीतर रोजगार के अवसर भी पैदा किए इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम में आय सृजन के लिए ग्रामीण विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित किया जंगली घाट के मत्स्य कॉलोनी के सीतारमन जनिया मंदिर द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा की समाप्ति पर कल मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया गया इससे पहले मंदिर के सचिव दिलीप कुमार ने सीतारमन जनिया यूथ क्लब के सदस्यों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर जानकारी दी सरस्वती माता का विसर्जन कार्यक्रम चल रहा है तो इसी कार्यक्रम बीच भी में हम हमारे जो यूथ क्लब के मेम्बर जो है विविध का विविध प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है तो इसमें हमारे पुरातन धर्म को बढ़ावा देते हुए हमने आज बहुत तरह तरह का प्रोग्राम्स यहाँ पर रखा है तो हम हम सभी मछुआरों फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम 2007 से लेके 2023 लगभग 17 साल सत्रह साल से सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं इसमें ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, विविध प्रकार के कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं इस दौरान तेलुगु पारंपरिक कोई नृत्य पारंपरिक डांडिया नृत्य तथा पुंजुली देवा कोलाटम जैसे पारंपरिक नृत्य आयोजित किए गए डॉलीगंज स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कल सुबह दस बजे रोजगार एवं स्वरोजगार मेला आयोजित किया जाएगा रोजगार निदेशालय के मॉडल करियर सेंटर द्वारा आयोजित होने वाले मेले का उद्देश्य निजी नियोक्ताओं का स्वरोजगार क्रियान्वयन विभागों तथा नौकरी पाने वालों के बीच स्वरोजगार में आजीविका आज उद्यम स्थापित करने एवं निजी क्षेत्र में प्लेसमेंट प्रदान करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है इच्छुक लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे कल आयोजित होने वाले इस रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में आयोजित होने वाले साक्षात्कार में अपने प्रमाण पत्रों की प्रति के साथ उपस्थित रहें इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मॉडल करियर सेंटर से फोन नंबर शून्य तीन एक नौ दो दो तीन दो चार छः दो नौ चार तीन चार दो सात दो दो तीन तीन पर संपर्क किया जा सकता है पोरबले नगर पालिका परिषद द्वारा पूजा पंडालों में किन किन वस्तुओं को लाने और उनके उपयोग पर इस साल के सभी दुर्गा पूजा पंडाल समिति के सदस्यों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया इस संदर्भ में पोरबले नगर पालिका परिषद के अधीक्षण अभियंता अविनाश कुमार सिंह तथा स्वच्छता समिति के, के अध्यक्ष राजेश पाल गोविंद ने दूरदर्शन को बताया सबको बुला करके एक अवेयरनेस कैंपेन कराया था जिसमें हमने ये बताया था कि आपको कैसे मैनेज करना है वेस्ट मिनिमम होना चाहिए थ्रू आईसी एक्टिविटीज़ पानी का सुविधा जो है खाने की हो गई वेस्ट जनरेशन और पांच छः पैरामीटर्स हम लोगों ने उनको दिए थे प्लस ये भी बताया था कि आपको अपने पंडाल पे अवेयरनेस भी देनी है जिसमें आपको ये बताना है कि हमारे जो वेस्ट है कौन कौन सी चीज़ें आपको पंडाल पे नहीं लानी है और कौन कौन सी चीज़ों का आपको उपयोग करना है तो फॉर एग्जाम्पल आई में हम लोगों ने बैनर्स उनसे लगवाए थे इको फ्रेंडली बैनर्स जिसमें वो ये बता सकें कि हमारे यहाँ पे आपको प्रसाद लाते समय कपड़े के थैले में लाना है या कागज़ पे या कागज़ के थैले में जिससे आपका प्लास्टिक वाला जो वेस्ट है वो ना प्रोड्यूस हो प्लस उसके साथ प्रसाद जो है पहले लोग जो है हमेशा बाँटते थे जो बटर पेपर्स में जिसके ऊपर में प्लास्टिक और वैक्स लगी रहती थी तो उसको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है प्लास्टिक के पेपर को हटा करके केले के पत्ते हो गए यहाँ पे एक मीठा पत्ती का एक पेड़ बहुत प्रचलित है उसको उपयोग में लाने को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और तीसरा हमने उनसे ये कहा था कि आपके द्वारा जो है वेस्ट मिनिमम जनरेट हो ऐसी आप अपनी सुविधाएं जो है प्रदान करें और इनोवेटिव्स भी करने को कहा गया था जिसमें उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप समाज को जागरूक भी करें कि अगले बार इस बार के पूजा में आप ये किए नेक्स्ट वाले जो साल का जो भी पूजा आप करेंगे उसमें आपको जो है ये ये चीज़ें अवॉइड करनी और ग्रीन कॉन्सेप्ट अपने आप को बदलाव करके लाना है मैं म्युनसिपल के सैनिटरी टीम और एच के की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ कि पूजा पंडाल की ओर हमारा ध्यान गया और हम पूजा पंडाल को इको फ्रेंडली बनाने में मुंसिपल का सहयोग रहा साथ ही जितने भी अभी एस साहब ने बात किया बताया आपको उस आधार पे डोलीगंज पूजा पंडाल जो प्रथम श्रेणी में आया है तो उसको धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जब भी पूजा हो दुर्गा पूजा हो सरस्वती पूजा हो या अन्य पूजा हो सभी पंडाल इसी तरह से इको फ्रेंडली हो और मिनिमम से मिनिमम वेस्ट को जनरेट करने का प्रयास करें। दक्षिण अंडमान पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है जिनके पास रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रवेश के लिए फर्जी सेना पहचान पत्र और अन्य फर्जी सरकारी दस्तावेज पाए गए थे चातम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है 21 अक्टूबर को एक शिकायत प्राप्त होने पर दो संदिग्ध व्यक्ति उत्तर प्रदेश के निवासी मयंक यादव और राहुल चौहान को चातम पुलिस स्टेशन लाया गया इन संदिग्धों की जांच की गई पुलिस ने उनके कब्जे फुर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र सेना की पोशाक में इनकी नकली तस्वीरें फर्जी सेना आईडी कार्ड बरामद किया चातम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उन्हें न्यायिक हिरासत में पात्रापुर के जिला जेल भेज दिया गया और मामले की आगे की जांच जारी है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलूटान के पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी में रोग के तीसरे चरण का टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया इस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गुप्तापाड़ा हमरीगंज तथा वंडूर जैसे पंचायतों को शामिल किया गया इस कार्यक्रम के तहत कुल एक पशुओं में तीन किसानों द्वारा टीकाकरण किया गया इसके अलावा 601 पशुओं में नए टैग किए गए कार्यक्रम में सभी किसानों ने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया छब्बीस अक्टूबर को मंगलूटान के पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी में चार से पाँच महीने के बीच के युवा पशुओं को बूस्टर डोज का टीकाकरण दिया गया गुप्तापाड़ा पंचायत के तहत मंजरी गांव में किसानों के घर द्वार तक मोबाइल पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी के जरिए जरूरतमंद किसानों में दवाओं का वितरण किया गया इस सेवा से कुल दस परिवार लाभान्वित हुए पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी मंगलूटान की टीम ने गुलाबी सिंह के पोल्ट्री तथा जानकी अधिकारी के 19 सुअर पालन का निरीक्षण करने के लिए इन प्रगतिशील किसानों के घरों का दौरा किया विद्युत विभाग द्वारा जरूरी कार्य किए जाने के चलते शनिवार 28 अक्टूबर को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक लाइट हाउस क्षेत्र पोंगीचोंग मोहनपुरा विद्युत भवन क्षेत्र परिवहन निदेशालय विद्युत मुख्यालय प्रभागीय कार्यालय परिसर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी वहीं उसी दिन सुबह साढ़े सात बजे ऐसी नगर पालिका परिषद सभागार अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का कार्यालय सचिवालय कोर्ट परिसर पीएओ राजनिवास गांधी पार्क गुरुद्वारा लाइन का भाग बंगाली क्लब बिग्गी लाइन मानव विज्ञान संग्रहालय मिडिल पॉइंट लिंक रोड वीआईपी रोड पुलिस लाइन तथा जंगली घाट क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी जहाज रानी सेवा निदेशालय ने सभी यात्रियों और आम लोगों को सूचित किया है कि मौजूदा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने आज रात नौ बजे पोर्टलर से मायाबंदर के लिए नालंदा जहाज की विशेष व्यवस्था की है यह जहाज कल सुबह आठ बजे मायाबंदर से पोर्ट्लर के लिए प्रस्थान करेगा और अब अंत जल्हान यात्रा संबंधी सूचना एम वी रानी चंगा द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे साढ़े छह बजे फिनिक्स बेजेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे नौ बजे द्वीप से पोर्ब्लर के लिए होगी

एम बी रानीचंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम पांच बजे फिनिक्स बेजेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह साढ़े पांच बजे शहीद द्वीप होते हुए के लिए पोर्ट ब्लियर के लिए होगी एम बी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वी तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे छह बजे फिनिक्स बेजेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर एक बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लर के लिए होगी सभी जलियानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे अंत में मुख्यांश एक बार फिर सांसद ने डिगलीपुर में क्रिकेट मैच आयोजित किया डॉलीगंज के औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में कल होगा रोजगार व स्वरोजगार मेले का आयोजन और नालंदा जहाज की मायबंदर यात्रा इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है नमस्कार